बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपना NCERT की क्लास 3 की SST का अपना लास्ट चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम क्या है, अवर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ अवर चैप्टर। वन डे, एक दिन, स्पोसिंग यू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्पोज करिए कि आप जल्दी उठ गए सुबह, एंड ही और देखा, डेट अ न्यू रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, एक नई रोड बन गई है, इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, आपके घर के सामने, अ ग्राउंड हैज बीन कन्वर्टेड इंटू अ ब्यूटिफुल गार्डन, और जो आपका ग्राउंड है वो सुंदर सा बगीचा बन गया है। हु डज दिस, ये किसने किया, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, ये बहुत आश्चर्य करने वाला था, हाउ द वर्क इन दिस बिग सिटी इज ऑलवेज कैरिड आउट टू इम्प्रूव द सिटी, इतनी बड़ी सिटी में उसको इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए हमेशा काम चलता रहता है। दिस वर्क इज डन बाय द गवर्नमेंट, यह वर्क कौन कराता है, ये वर्क गवर्नमेंट करती है, विच वी ऑल इलेक्ट, जिनको हम चुनते हैं, जिस गवर्नमेंट को हम चुनते हैं वो गवर्नमेंट ये सारा काम करती है। क्या काम करती है, रोड्स बनवाने का, गार्डन्स बनवाने का, और पूरे कंट्री की देखभाल करने का। दिल्ली इज अ स्टेट एंड इट हैज इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली हमारी स्टेट, एक स्टेट है और इसकी अपनी एक गवर्नमेंट है। डू यू वॉन्ट टू नो हाउ दिस गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, क्या आप जानना चाहोगे कि यह गवर्नमेंट कैसे बनी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये हमारे को क्या दिया हुआ है, अ सीन ऑफ ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली का हमें एक सीन दिया हुआ है। ठीक है, द होल ऑफ दिल्ली इज डिवाइडेड इंटू 7 कॉन्स्टिट्यूशंसिस, जो हमारी पूरी दिल्ली है वो 70 भागों में डिवाइड की गई है। एवरी पर्सन ऑफ एज कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग इलेक्शन, और ये 70 के 70 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीस हैं उनसे पर लोग चुने जाते हैं, जो रिप्रेजेंट ड्यूरिंग द इलेक्शंस, इलेक्शंस में हम लोग चुनते हैं। जस्ट द वे, वैसे ही यू इलेक्ट योर मोनिटर इन क्लास, जैसे कि आप अपनी क्लास में एक मोनिटर चुनते हो, ऐसे ही हम लोग कुछ लोगों को चुनते हैं जो हमारी गवर्नमेंट के काम करते हैं। आफ्टर डैट, इसके बाद, दीस रिप्रेजेंटेटिव्स, वो रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हमें चुना है, इलेक्ट देयर लीडर्स, अपने लीडर्स को चुनते हैं, एंड ही इज कॉल्ड, और उसको कहा जाता है द लीडर ऑफ द स्टेट, स्टेट का लीडर, डैट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, या दिल्ली का CM, चीफ मिनिस्टर, मतलब हमारे जैसे दिल्ली को 70 पार्ट्स में, भागों में डिवाइड कर दिया, उन 70 पार्ट्स के लोगों को हम चुनेंगे कि कौन से लोग हमें गवर्न करेंगे, उनको हमने इलेक्ट किया। ठीक है, वो लोग मिलकर हमारे लीडर को चुनेंगे जिसको हम CM या चीफ मिनिस्टर कहते हैं। टू हेल्प द चीफ मिनिस्टर, उन चीफ मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 मिनिस्टर्स, 6 लोगों का ग्रुप है, एंड 6 मिनिस्टर्स का ग्रुप है, एंड दिस ग्रुप वर्क्स फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, और ये ग्रुप काम करता है दिल्ली के लोगों के लिए, बिकॉज द पीपल हैव मेड देयर रिप्रेजेंटेटिव बाई इलेक्टिंग देम इन द इलेक्शन, क्योंकि इन्हें लोगों ने चुना है अपने लिए काम करने के लिए, उनको इलेक्शन में चुनकर, वोट देकर। इन अ सिटी मैनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय अस, एक सिटी में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर, हमें पीने का साफ पानी मिले, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मिले, गुड रोड्स, अच्छी सड़कें हों, ब्रिजेस, पुल हों, फ्लाईओवर्स हों, गार्डन हों, पार्क हों, हॉस्पिटल हों और स्कूल हों। ठीक है, फॉर द क्लीनिनेस ऑफ ड्रेन्स, और जो हमारा ड्रेन सिस्टम है उसको साफ करने के लिए, रोड्स हों और अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें, मैनी पीपल आर नीडेड, लोग जो जिन्हें वो चाहिए। ठीक है, जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो, इफ़ दिस पीपल डू नॉट वर्क व्हाट विल हैपन, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये देखिए, अभी एक पिक्चर देखिए, इसमें क्या है, पर्सन क्लीनिंग रोड, एक आदमी रोड को क्लीन कर रहा है, अगर ये रोड को क्लीन नहीं करेगा तो क्या होगा, पूरी रोड गंदी पड़ी रहेगी ना। ठीक है, दिल्ली इज अ मेट्रोपोलिटन सिटी, दिल्ली एक मेट्रो सिटी है,
देयरफॉर अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट के अलावा देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर बहुत सारी संस्थाएँ हैं वर्किंग इन दिल्ली, जो दिल्ली में काम करती हैं। द एरिया हैज बीन डिवाइडेड फॉर द वर्किंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन संस्थाओं के काम करने का एरिया डिवाइड कर दिया गया है। इट हैज सम एडवांटेजेस, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, अच्छाइयाँ हैं, बिकॉज दे द वर्क इज डन इन बेटर वे, जस्ट इमेजिन, और ताकि ये काम अपना अच्छे से कर सकें। आप खाली सोचिए, इफ़ अ मोनीटर इज गिवन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपके स्कूल के क्लास के मोनीटर को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए ऑफ ऑल क्लासेस, सब क्लास की इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, देन विल ही शी बी एबल टू डू हिज हर वर्क इफेक्टिवली। अगर आपके पूरे स्कूल में सब क्लासेस के लिए एक ही मोनीटर बना दिया जाए तो क्या वो अपना काम अच्छे से कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। इसी तरह जैसे हर क्लास का अलग अलग मोनीटर होता है, इसी तरह जो दिल्ली को 70 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर एक पार्ट का अलग अलग मिनिस्टर है, ठीक है, जिसे हमने चुना है। वेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच क्लास हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन वेरियस मोनीटर्स, जैसे क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग मोनीटर पर डाल दी जाती है, देन द वर्क इज डन ईजली, तब काम अच्छे से हो सकता है। देयर फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, अलग अलग काम करने के लिए। द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर, इन ऑर्गेनाइजेशन के नाम क्या क्या हैं? साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड। योर स्कूल वुड हैव बीन बिल्ट बाय वन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपका स्कूल बनाया है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर हॉर्टिकल्चर, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स एंड रिमूव द गारबेज फ्रॉम रोड्स एंड स्ट्रीट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन किस किस पर काम करती हैं? ये हॉर्टिकल्चर देखती हैं, डिस्पेंसरीज देखती हैं, हॉस्पिटल्स को देखती हैं और कूड़ा करकट को रोड्स से और गलियों से हटाती हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो लिव इन दिल्ली, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दिल्ली में रहते हैं। यू नो डैट द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप जानते हो कि इंडिया की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली है। विच इज द पार्ट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का ही एक हिस्सा है। और पार्लियामेंट इज ऑल्सो हेयर, यहाँ पर पार्लियामेंट भी है। एंड द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर ऑल्सो हेयर, और इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस भी यहाँ पर हैं, ठीक है। फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस इज ऑल्सो हेयर, दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर है। यू मे गो एनीवेयर, आप कहीं भी जाएं इन दिल्ली में, यू विल फाइंड, आपको मिल जाएगी द कॉन्स्टेबल्स ऑफ दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभाते हुए 24 आवर्स अ डे, एक दिन में 24 घंटे वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। एवरी संडे एंड ड्यूरिंग ऑल द फेस्टिवल्स, हर संडे को भी और हर फेस्टिवल पे भी, योर स्कूल रिमेन्स क्लोज, आपका स्कूल हमेशा बंद रहता है। मगर दिल्ली पुलिस डोंट गो ऑन हॉलीडे, दिल्ली पुलिस को कोई छुट्टी नहीं मिलती। थाउजेंड ऑफ कॉन्स्टेबल्स ऑफ दिल्ली पुलिस आर डिप्लॉयड ऑलवेज फॉर योर सेफ्टी, दिल्ली पुलिस के हजारों लोग हमेशा हमारी सेफ्टी के लिए जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस चेकिंग ड्यूटी की एक पिक्चर आपके सामने है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द वैन्स ऑफ दिल्ली पुलिस, आपने दिल्ली पुलिस की वैन्स को जरूर देखा होगा। दे कीप क्लोज वॉच ऑन एवरी प्लेस वाइल सिटिंग इन इट, वो इसमें बैठकर हर प्लेस को, हर जगह को बहुत अच्छे से देखती हैं। बिकॉज ऑफ देम वी गो एवरीवेयर, उन्हीं की वजह से हम हर जगह जा सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी टेंशन के, बाय सिंपल लॉकिंग अवर हाउस, हमारे घर को सिंपल एक ताला लगा कर। मोर देन 1 करोड़ पीपल लिव इन दिल्ली, लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। कैन यू काउंट फ्रॉम 1 to 1 करोड़,
क्या आप 1 से 1 करोड़ तक की गिनती कर सकते हो? कम, लेट अस ट्राई। चलो ट्राई करते हैं, करके देखिए गिनती। देयर फॉर समटाइम्स एन एक्सीडेंट और थेफ्ट के नकल। इसी तरह से कई बार हम इतनी गिनती नहीं कर सकते, कई बार कोई एक्सीडेंट या कोई चोरी हो जाती है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में वी शुड कॉल द पुलिस फर्स्ट, हमें सबसे पहले पुलिस को बुलाना चाहिए। टू कॉल द पुलिस यू कैन डायल 100 एनी टाइम, पुलिस को बुलाने के लिए आप कभी भी 100 नंबर डायल कर सकते हो। बाय डायलिंग दिस नंबर, यह नंबर मिलाने पर व्हेन अ पर्सन टेल्स हिज हर देयर प्रॉब्लम, जब कोई पर्सन उनको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, द पुलिस रीच देयर टू हेल्प दैट पर्सन, वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी उस पर्सन की मदद करने। जनरली द कॉन्स्टेबल ऑफ दिल्ली पुलिस वियर अ खाकी यूनिफॉर्म, जनरली जो है पुलिस, दिल्ली पुलिस खाकी यूनिफॉर्म पहनती है। द कॉन्स्टेबल ऑफ, देखिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम कर रही है, ठीक है। तो द कॉन्स्टेबल ऑफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वियर्स ब्लू पैंट एंड अ वाइट शर्ट, और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कॉन्स्टेबल क्या पहनते हैं? ब्लू पैंट और वाइट शर्ट पहनते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, जिस तरह का मौसम हो, दिस कॉन्स्टेबल्स वर्क ऑल द टाइम, इन कॉन्स्टेबल्स को हमेशा काम करना पड़ता है। इफ़ दे डोंट परफॉर्म देयर ड्यूटी एवरी वन फॉर वन डे, अगर वो एक भी दिन अपना काम, इवन फॉर वन डे, अगर वो एक भी दिन अपना काम नहीं करेंगे, वी विल बी इन ट्रबल, हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग, यू कैन टेक हेल्प बाय डायलिंग 1098, आप मदद ले सकते हैं 1098 फोन नंबर मिलाकर। दिस नंबर इज स्पेशली फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन, यह नंबर स्पेशल रूप से बच्चों की मदद करने के लिए है। एंड इट इज़ फ्री, एंड और ये फ्री है। डैट इज, इट इज अ टोल फ्री नंबर, इसलिए ये टोल फ्री नंबर है। बच्चों को क्या क्या याद रखना है, कुछ क्वेश्चन को याद रखने हैं, चलिए वो कर लेते हैं। इफ़ एनी वन इज इन ट्रबल, वट विल यू डू, अगर कोई मुसीबत में है तो हम क्या करेंगे? वी विल कॉल पुलिस, हम पुलिस को कॉल करेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन रन यूअर स्कूल, आपके स्कूल कौन से ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, ये आप खुद पूछ कर लिखेंगे। लुक अराउंड यूअर स्कूल, अपने स्कूल के चारों तरफ देखो, या हाउस और घर के चारों तरफ देखो। वट वर्क हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करे हैं। फाइंड आउट हु कास्ट देयर वोट्स इन योर हाउस, और ये अपने घर में पता लगाओ कि कौन कौन आपके घर में वोट देता है। चलिए लेट्स डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फ्लोइंग। तो ए फर्स्ट पार्ट क्या है, चिल्ड्रन हेल्पलाइन फोन नंबर क्या है, 1098। यूनिफॉर्म ऑफ दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म कौन सी है, खाकी शर्ट एंड खाकी पैंट। एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्कूल, स्कूल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। यूनिफॉर्म ऑफ ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की कौन सी यूनिफॉर्म होती है, वाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट। फोन नंबर टू कॉल पुलिस, पुलिस को कॉल करने के लिए फोन नंबर कौन सा है, 100। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विस कौन देता है, दिल्ली पुलिस, ठीक है। चलिए लेट्स डू फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। दिल्ली पुलिस परफॉर्म्स देयर ड्यूटी डैश अ डे, एक दिन में कितने घंटे करती है, 24 आवर्स। डैश कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन रोड, रोड पे ट्रैफिक को कौन कंट्रोल करता है, ट्रैफिक पुलिस मैन। द लीडर ऑफ दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज डैश, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का जो लीडर है उसको क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर। द वर्क रिलेटेड टू ट्रीज प्लांटेशन इज डन बाय, ट्रीज प्लांटेशन का वर्क कौन करता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क्स आर डन बाय गवर्नमेंट राइट द विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, अभी हमने सारे काम गवर्नमेंट के पढ़े हैं, मैंने आपको समझाए हैं, वो काम आप इन वहाँ से देखकर लिख लेंगे, ठीक है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिवाइडिंग अ स्टेट लाइक दिल्ली इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस आर इन दिल्ली, दिल्ली जैसी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशंस में क्यों डिवाइड किया गया, और दिल्ली में कितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ये अभी हमने पढ़ा था ना, क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ी स्टेट है, ठीक है, अकेले पर्सन के लिए इसमें काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया
ताकि उसका काम आसानी से हो सके। और दिल्ली में टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशन है? 7070, राइट। लेट्स मूव टू अवर अदर नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट एनी फाइव नीड्स ऑफ टाउन। एक टाउन में आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, आपने कोई फाइव जरूरतें नीड्स लिखनी है। तो अभी हमने पढ़ा था ना क्या क्या जरूरत होती है हमें, इलेक्ट्रिसिटी की, रोड्स की, है ना, ये सब हमने रीड किया था ना। तो वो सब आप इसमें लिखोगे, गार्डन्स की, ठीक है। ये सारी नीड्स हमारी कौन पूरी करता है? गवर्नमेंट। तो आपको उन फाइव नीड्स को लिखना है जो हमने अभी अब चैप्टर में पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ फाइव डिफरेंट बॉडीज इन दिल्ली फॉर कैरिंग आउट वेरियस वर्क लाइक वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्लांटेशन एक्सेट्रा। ये भी हमने पढ़ा था ना कि दिल्ली में कौन कौन सी बॉडीज हैं जो गवर्न करती हैं। ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ना, सेकेंड है नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, थर्ड है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और फोर्थ है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है। ये हमारी बॉडीज हैं जो गवर्न करती हैं, तो आप इनके नेम लिख लीजिएगा। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेयर डू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव। इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली में। हाउ डू पीपल ऑफ दिल्ली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन गवर्नमेंट। कैसे इलेक्ट करते हैं? बाय गिविंग वोट्स, वोट्स देकर, इलेक्शन में वोट्स देकर हम उनको इलेक्ट करते हैं। राइट एनी थ्री वर्क्स ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के तीन काम कौन से हैं? कंट्रोल ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स और कंट्रोलिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है। और भी काम है बट आपको थ्री लिखना है तो आप कोई भी थ्री लिख सकते हो। वट विल यू डू इफ देयर इज एन एक्सीडेंट इंसीडेंट लाइक एक्सीडेंट और थेफ्ट। आप क्या करोगे अगर कोई इंसीडेंट जैसे एक्सीडेंट हो गया या चोरी होगी तो आप क्या करोगे? वी विल इमिडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस। हम जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। वट नंबर शुड वी डायल टू हेल्प चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की हेल्प के लिए हम कौन सा नंबर डायल कर सकते हैं? 1098। राइट द नेम ऑफ ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली की म्यूनसिपल सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नाम लिखने हैं। नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। यह हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नेम है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ दोज फैमिलीज मेंबर्स हु गो टू कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। आपने अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं जो इलेक्शन में वोट देते हैं। कौन कौन दे सकते हैं? आपके मदर, फादर, आप उनके नाम लिखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ म्यूनसिपल काउंसलर ऑफ योर एरिया। अपने एरिया के म्यूनसिपल काउंसलर का आपने नाम लिखना है, अपने एल्डर से वो नाम पूछिए और आप लिखिए। राइट एनी थ्री फ्री फैसिलिटीज विच यू गेट फ्रॉम स्कूल। आपको स्कूल से क्या फैसिलिटीज मिलती हैं आपने वो लिखना है। रीडिंग बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है, मिड डे मील और योगा एंड डांस। और आपको और कोई भी फैसिलिटी मिलती है तो आप लिख सकते हैं, आपने कोई तीन फैसिलिटीज लिखनी है। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी समझ लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।